Good morning, sir. Morning, Varun. बिली के जन्मदिन की तैयारी चल रही है सर आपको किससे पता कि मिस्टर बिलमोरे का बर्थडे क्योंकि ये जो सफेद प्लास्टिक की थैली लेकर आया है तो इसमें पाइनएप्पल केक है सर बिना इसके अंदर देखे आप कैसे बता सकते हैं कि इसमें पाइनएप्पल केक है जब सूंघ सकता हूं तो फिर देखने की क्या जरूरत मेरा फेवरेट है पाइनएप्पल केक सर फिर तो आप इस केक का प्राइस भी बता देंगे इसका ऐसा होना चाहिए 950 के आसपास सर 950 रुपए एग्जैक्ट प्राइस सर ये आप कैसे कह सकते हैं क्योंकि एक केजी का पाइनएप्पल केक लाया होगा और एक केजी का पाइनएप्पल केक 1000 रुपए के आसपास होगा तूने 50 रुपए अभी अभी अपने जेब में रखे 1000 माइनस 50 950 वैसे कुछ सरप्राइज प्लान करना चाहिए बिली के लिए क्या बोलते हैं ग्रेट आइडिया सर है ना स्पीक ऑफ द डेविल हाँ बिली तुम्हारी बात कर रहे थे सो क्या हुआ यू डोंट वरी मैं पहुंचता हूं चल वरुण सर कहाँ पुलिस स्टेशन पाठक जी आपको इससे जितने सवाल करने हैं जल्दी कीजिए मेरे लिए इसे ऐसे लॉकअप से ज्यादा देर बाहर रखना मुश्किल है देखो मिस्टर गवार आई मीन पवार तुम बच्चा लोग को लॉकअप में नहीं डाल सकता अरे इसका फेस देखो कितना इनोसेंट है ये क्या मर्डर कर सकता है ये मेरे बिल्डिंग में रहता है और बहुत अच्छा छोकरा है रोज मेरे को फ्लावर देता है अब इसने मर्डर किया है नहीं किया है ये तो अदालत में प्रूव होगा पर अभी इस पे जो इल्जाम लगे हैं उसके तहत इसे लॉकअप में ही रहना पड़ेगा ना कि बाहर बिली केडी आई एम 100% श्योर कि वो बेटा ही मर्डरर है पहले से ही वो मेरे को ना गड़बड़ ईविल मैन दिखता था और उससे ज्यादा तो पिंचू वो मिस्टर राणा का ख्याल रखता था और अब वो पिंचू पर ही इल्जाम लगा रहा हो सकता है आपकी बात सही है लेकिन अगर पिंचू निर्दोष है तो भी अदालत में प्रमाण साक्ष्य साक्षी प्रस्तुत करने होंगे प्लीज केडी डू एनीथिंग बट प्लीज सेव हिम पिंचू तुम चिंता मत करो जितना हो सकेगा करूंगा बिना किसी अपराध के तुझे कोई डर नहीं दे सब क्या हुआ सर मेरे फ्लैट की चाबी गाड़ी में रह गई होगी हाँ शायद चले बिली बेटा डोंट वरी डोंट क्राई ओके बिली आंटी हैप्पी बर्थडे बिली आंटी थैंक यू यू रिमेंबर माय बर्थडे आंटी बस आज वो थोड़ा टूट गया है सॉरी नो प्रॉब्लम बेटा और जल्दी तुम बाहर निकलेगा ओके कृपलानी साहब नमस्कार उम्मीद है पूरी तैयारी करके आए होंगे आप वैसे कृपलानी साहब आप इतने वर्षों का अनुभव है आपको ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये आपके विरुद्ध केस लड़ने का मुझे क्या है कि छोटी मछलियों को बड़े अरे हवलदर साहब एक मिनट ये तुम्हारी किचन वहां पड़ी हुई मिली तुम्हारी है ना नहीं सर मतलब हाँ वो नीचे गिरी पड़ी मिली थी सर मुझे ऐसा ही किचन मेरे सहायक वरुण के पास ऐसी ही चाबी है संभव है कि उसी का हो है ना हाँ सर वो मुझे पुलिस स्टेशन भी मिली सर उन्हीं की होगी सर जज साहब पधार रहे हैं
अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। Your Honor, 19 जुलाई को एक 68 साल के मिस्टर उज्जवल राणा की लाश उनके घर के कमरे में पाई गई। तो पिछले 4 साल से अपाहिज थे, चलने फिरने के लायक नहीं थे। उन्होंने 21-22 साल के लड़के को उनकी देख रेख के लिए यानी कि पिंचू को अपने घर में रखा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मिस्टर पिंचू ने उनकी जान ली। नहीं सर, मैंने साहब को नहीं मारा है, मैं उन्हें क्यों मारूंगा, वो तो मेरे सब कुछ थे। इसलिए तो तुमने उनकी जान ली, तुम उनसे इतना प्यार करते थे कि तुम उनकी जान लेने में मजबूर हो गए। मैं चाहूंगा मिस्टर राणा के डॉक्टर डॉक्टर सिन्हा को कटघरे में बुलाया जाए। इजाजत है। मिस्टर राणा इस हालत में पिछले 3 सालों से थे। क्या वो पूरी तरह से अपाहिज थे? जी हाँ, वो एक बहुत ही जिंदा दिल आदमी थे, लेकिन एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद ही बिकेम ऑलमोस्ट लाइफलेस, और पिछले 1 साल से तो उनके हार्ट की प्रॉब्लम्स भी काफी बढ़ गई थी। और वो मिस्टर राणा अपनी इस अवस्था के साथ कैसे जूझ रहे थे? सच कहूँ तो अपनी जिंदगी से तंग आ गए। डॉक्टर, क्यों मुझे एक जिंदा लाश बना के रखे हुए हो? Let me die. मैं अपनी आंखें बंद करके अपनी वाइफ के पास चला जाऊंगा। कक्षना, ये इंजेक्शन वाली क्या बात है? हर 2 घंटे उन्हें एक इंजेक्शन की जरूरत रहती थी जो उनके ब्लड को रेगुलेट करती थी। और ये इंजेक्शन लगाने की जिम्मेदारी किसकी थी? पिंचू की। वो बिगनिंग से ही मिस्टर राणा की देखभाल किया करता था। मैंने उसे इंजेक्शन भी देना सिखा दिया था, और क्योंकि करण जो उनका बेटा है वो उनसे अलग रहता था, इसलिए पूरी जिम्मेदारी पिंचू की ही थी। योर ऑनर, डॉक्टर सिन्हा की बातों से साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर राणा की मौत उन्हें इंजेक्शन ना देने के कारण हुई, जिसकी जिम्मेदारी मिस्टर पिंचू पे थी। और ये वो इंजेक्शन है जो मिस्टर राणा को लगाना चाहिए, जिसके ना लगने के कारण मिस्टर राणा की मौत हुई। कृपलानी, आपके इस दलील से स्पष्ट नहीं होता कि राणा साहब की मृत्यु का कारण क्या है। क्यों मिस्टर पाठक, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? योर ऑनर, पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट अब तक आई नहीं। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट यह कहती है कि राणा साहब की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई। योर ऑनर, पहले तो मुझे भी लगा था कि मिस्टर राणा की मौत दिल के दौरा पड़ने से हुई, लेकिन डॉक्टर सिन्हा और मिस्टर राणा की पड़ोसन दीप्ति से मुझे बताया। दीप्ति जी, आप उस बिल्डिंग में जिसमें राणा साहब रहा करते थे कब से रह रही है? मुझे तो काफी टाइम हो गया। तो जाहिर सी बात है कि आप पिंचू जी को भी अच्छी तरह से जानती होगी। सर, मैं सच बताऊं तो बहुत टाइम तक मुझे यही लगा कि पिंचू ही मिस्टर राणा का बेटा है। उनका असली बेटा तो मुझे कई महीनों बाद दिखा, और फिर एक दिन मैंने देखा कि तुझे मैंने जाने को कहा था ना, चल निकल यहां से, निकल। पिंचू, अंकल का बेटा है क्या? सब आए। अंकल कैसे? साहब बिल्कुल ठीक नहीं है, रात को सो भी नहीं पाते, कोई हालत में नहीं देख सकता। बात बताओ, डॉक्टर सिन्हा ने क्या कहा? डॉक्टर साहब कहते हैं कुछ भी उम्मीद नहीं है, वो भी अब जीना नहीं चाहते, काश उनको किसी तरह मौत आ जाएगा। ये मैं क्या कह रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझता ही नहीं है, उनके लिए यही अच्छा है। उस दिन रात को मुझे पता चला कि मिस्टर राणा की डेथ हो गई है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि पिंचू ने ये सब नहीं किया है। वो फैसला तुम नहीं करो, मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस कहता है कि पिंचू ने ही उनका कत्ल किया है, वो भी इसलिए क्योंकि साहब मुझे अपना खूनी मत समझना। साहब मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ ताकि आप ऊपर जाके अपनी वाइफ से मिल सको। वैसे भी ऐसे जीने से अच्छा मौत। This is a case of mercy killing. हमारे देश के कानून में मर्सी किलिंग एक अपराध है, एक गुनाह है, इसलिए इस लड़के को सजा मिलनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया,
मैंने नहीं मारा साहब को। बंद कर अपना नाटक। ये लड़का जितना बोला दिखता है उतना बोला है नहीं। देखिए आपको जो भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। मिस्टर कृपलानी, आपका मानना है कि मेरे पिताजी की डेथ नहीं मर्सी किलिंग थी, तो आप गलत है। मेरे पिताजी की मर्सी किलिंग नहीं बल्कि मर्डर था, मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ये लड़का छटा हुआ बदमाश और चोर था। 4 साल पहले मेरे पिताजी ने इसे अपनी जेब काटते हुए पकड़ा, पुलिस स्टेशन ले जाने की वजह से अपने घर ले आए, इसे अडॉप्ट किया। मेरे पिताजी न होते तो ये आज भी सड़कों पे आवारगी और चोरियां कर रहा होता, पता नहीं जिंदा भी होता कि नहीं। मेरे पिताजी के एहसानों के बदले इसने। करण जी, पुलिस रिपोर्ट के अनुसार अपने पिताजी से आपकी अंतिम भेंट 19 जुलाई को हुई थी। जी। तुझे यहाँ टीवी देखने के लिए रखा है या पिताजी की देखरेख के लिए? अरे पिताजी कब से प्यासे हैं, तू उन्हें एक गिलास पानी नहीं पिला सकता? चल। साहब पानी पी लो। साहब पिताजी का चाय पीने का वक्त हो गया, दो कप चाय बना के ला। ला पानी मैं पिला दूं। जा लीजिए पिताजी, पानी पी लीजिए। पिताजी क्या ये सच है, प्रॉपर्टी का 30% हिस्सा आप उस बदमाश पिंचू को देने वाले हैं? योर ऑनर, इस बिल में साफ साफ लिखा है कि राणा साहब की मौत के बाद उनकी प्रॉपर्टी का 30% पिंचू के नाम हो जाएगा। योर ऑनर, उस दिन जब पिंचू को पता चला कि राणा साहब की मौत के बाद 30% प्रॉपर्टी का हिस्सा उसे मिलने वाला है, तो उसने डिसाइड कर लिया कि उसे कुछ करना तो है नहीं, और अगर करना है तो बस इतना। 30% मतलब आप लुढ़के, मैं रातों रात अमीर, तो फिर क्यों ना एक तीर से दो निशाने हो जाए, आप भी खुश और मैं भी। पिंचू, मेरी जगह कोई और वकील होता तो शायद तुम बच भी जाते, मगर अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होता है अब, और इस समय ठीक बजे हैं। मेरी घड़ी कहाँ गई? क्या हुआ मिस्टर कृपलानी? कुछ नहीं, वो मेरी घड़ी थी, काफी महंगी थी, मालूम नहीं कहाँ कहाँ गिर गई। देखिए मिस्टर कृपलानी, अपनी घड़ी को छोड़िए और इस वक्त इस केस पर ध्यान दीजिए। जी ऑनर। डिफेंस कुछ कहना चाहेगा? जी ऑनर। योर ऑनर, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सर, मेरे फ्लैट की चाबी? तुम्हारी किचन? ऐसा ही किचन मेरे सहायक वरुण के पास भी। मुझे पुलिस स्टेशन पे मिली सर, उन्हीं की होगी सर। मेरी घड़ी थी, काफी महंगी थी। क्या हुआ मिस्टर पाठक, आप रुक क्यों गए? कुछ नहीं योर ऑनर, क्षमा चाहता हूँ। योर ऑनर, जैसा कि मैं कह रहा था कि हर सिक्के के दो पहलू होते, और मैं करण जी आपसे पूछना चाहूंगा, उस दिन जो आप अपने पिताजी से भेंट करने गए, क्यों गए थे आप अपने पिताजी से? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, क्या एक बेटा अपने बाप से बात नहीं कर सकता? मिस्टर पाठक, ये किस तरह का सवाल है? योर ऑनर, ये प्रश्न पूछना मेरे लिए आवश्यक, क्योंकि अभी अभी जो करण जी ने अदालत में जताया है कि इनके पिताजी इनके लिए कितने पूज्य थे, इनके पिताजी इनसे कितना प्रेम करते थे। योर ऑनर,
वास्तव में ऐसा था नहीं। पिछले कुछ महीनों की योर ऑनर इनकी ये बैंक की सूची है। इससे स्पष्ट होता है योर कि करण जी के सर के ऊपर पूरे 1 करोड़ रुपए का ऋण था, कर्ज था। सही कह रहा हूं मैं या सही कह रहा हूं करण जी? ऑर्डर ऑर्डर जी, ये सच है, सच है योर ऑनर। केवल इतना ही नहीं, अभी अभी करण जी ने हमें जो कथा सुनाई, उस दिन जो घटना घटी थी वो इनकी कथा के कुछ विपरीत ही है योर ऑनर। हुआ कुछ यूं था साहब, पानी पी लो साहब। पिताजी का चाय पीने का वक्त हो गया, 2 कप चाय बना के ला, ला पानी में पिला जा। लीजिए पिताजी, पानी पी लीजिए। पिताजी क्या ये सच है, प्रॉपर्टी का 30% हिस्सा आप उस बदमाश पिंचू को देने वाले हैं? ये सुन, मुझे पिताजी से कोई जरूरी काम है। कुछ वक्त के लिए बाहर जा। पर चाय अभी तो आप... कहाँ ना जा। बड़े साहब का दवाई का भी वक्त हो गया है। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं दे दूंगा। पिताजी मैं बहुत मुश्किल में हूँ। अरे पूरे 1 करोड़ रुपए का कर्जा है मेरे सर पे, अगर मैंने नहीं चुकाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, रस्ते पे आ जाऊंगा। पिताजी, पिताजी आपका जो वो पुराना वाला फ्लैट है ना, वो आप मेरे नाम कर दीजिए। आपके जाने के बाद इस पिंचू को मैं अपने घर रख लूंगा, अच्छे से ख्याल भी रखूंगा, बस वो फ्लैट आप मेरे नाम कर दीजिए। पिताजी यहाँ पे साइन कर लीजिए। पिताजी क्या कर रहे हैं आप? करण साहब, तुझे मैंने कहा था ना जाने को, चल निकल यहां से। पसीने छूट गए आपके तो। योर ऑनर, करण जी को जिस फ्लैट की आवश्यकता थी उसी फ्लैट को राणा साहब ने पिंचू के नाम कर दिया था। संभव है कि इसी कारण। क्या हुआ करण जी, क्या हुआ? ठीक तो है आप? सॉरी सर, आप चक्कर आ गया था। पिताजी के डेथ के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, शायद उनकी मौत का सदमा सह नहीं पाए। अभी भी मुझे चक्कर सा आ रहा है जैसा। ओके मिस्टर राणा, अभी तो आप जा सकते हैं, लेकिन इस कोर्ट की आपको हिदायत है कि जब तक इस केस का नतीजा नहीं आ जाता आप इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। जी सर साहब। योर ऑनर, करण जी और कृपलानी साहब दोनों ने जो मेरे मुवक्किल पिंचू के अतीत के आधार पर इनके चरित्र पर दोष डाला है, ये उचित नहीं है योर ऑनर। अगर अपराधी को सुधरने का अवसर न दिया जाए तो फिर वो सुधरेगा कैसे? क्यों पिंचू? वाह 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 वाह, केडी साहब क्या स्पीच दी है आपने, वेरी गुड। लेकिन एक बात भूल रहे हैं आप, ये कोई फिल्म नहीं है। हीरो ने स्पीच दी और ऑडियंस की आंखों से आंसू आ गए और केस जीत गए। ये अदालत है, यहाँ गवाह और सबूतों की जरूरत पड़ती है। मुझे लगता है ये केस आपके हाथों से फिसलता जा रहा है। कुछ नहीं फिसला के प्राणी साहब, न मेरे हाथों से न मेरी नजरों से। वैसे केस भी आप जीतने वाले नहीं, क्योंकि आपने अभी तक कुछ साबित नहीं किया। यू ऑनर, मेरा अगला गवाह है सुभाष कुलकर्णी। मिस्टर सुभाष, जिस सोसाइटी में मिस्टर राणे साहब रहते थे उस
दूसरी सोसाइटी में आपको रहते रहते तकरीबन 7-8 साल हो गए होंगे। जी हाँ सर। मिस्टर सुभाष, अभी जो दीप्ति जी ने पिंचू जी के बारे में तारीफ की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मुझे लगता है कि दीप्ति जी शायद किसी और ही दुनिया में रहती है, क्योंकि ये लड़का पिंचू शक्ल से जितना शरीफ दिखता है उतना है नहीं। ये बात आप किस बेस पे कह सकते हैं? जब से ये सोसाइटी में आया है, एक के बाद एक चोरियां हो रही हैं घरों में। सर, ये चोर है एक नंबर का। ऑर्डर ऑर्डर। और ये बात कहते हुए मुझे कोई शक नहीं है कि मिस्टर राणा का मर्डर किसी ने किया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, कुलकर्णी जी बिना किसी प्रमाण के मेरे मुवक्किल को चोर कह रहे हैं। चलिए एक क्षण के लिए अगर ये मान लिया जाए कि ये चोर है, इन्होंने कुछ चुराया, इससे ये कैसे प्रमाणित हो जाता है कि हत्या इन्होंने की? आप किस आधार पर मेरे मुवक्किल को हत्यारा कह रहे हैं? सर, ये बात मैं 100% कह सकता हूँ, क्योंकि एक दिन मैंने इसे अपने दोस्त से फोन पर बात करते हुए सुना था। अरे तुझे क्या लगता है मैं क्या ऐसे ही उस बुड्ढी की सेवा कर रहा हूँ? हाँ देख, मैं फुकट में कुछ नहीं करता बेटा। उसकी अपनी बेटे से जमती नहीं, और दुनिया में उसका और कोई नहीं, तो उसके टपकने के बाद उसका जो कुछ है वो सब मेरा हो जाएगा। अरे मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो और बुड्ढा टाइम से पहले ही लुढ़क जाए, ताकि रातों रात मैं इस घर का इकलौता वारिस बन जाऊं। ये जो अभी अभी बात आपने अदालत को बताई, इस बात का कोई और साक्षी है या स्वयं आप ही जानते हैं इस बात? जी नहीं, मैं कह रहा हूं ना सच। आप कह रहे हैं तो बात सच हो गई। एक सच मैं भी जानता हूं, बोल दूं, वही बीविंग वाली चारुलता जी, जानते हैं ना आप उसको, उसके साथ संबंध चल रहा है ना। सही कह रहा हूं मैं? नहीं सही कह रहा हूं? ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूं जो सत्य है। अब आप पूछेंगे कि मुझे कैसे पता, तो मैं बता दूं कि आपकी पत्नी ने ही बताया, और आपकी पत्नी ने यह भी बताया कि उन्हें यह बात किसने बताई। ऑब्जेक्शन यू ऑनर। मिस्टर केडी मिस्टर कुलकर्णी की निजी जिंदगी में दखल दे रहे हैं, इसका इस केस के साथ कुछ भी ताल्लुक है? कृपलानी साहब, ताल्लुक है, बताएंगे अभी। बताइए ना कुलकर्णी जी, पिंचू ने ही बताया था ना आपकी पत्नी को, और इसी कारण आपका घर टूटा, बोलिए ना। इसी कमीने पिंचू की वजह से किसी ने जाकर मेरी पत्नी को सब कुछ बता दिया, मेरा राज फाश कर दिया। अगर ये चूहा अपना मुंह नहीं खोलता तो आज मेरी पत्नी मेरे साथ होती, मेरा घर नहीं टूटता। आ गई ना बात सामने, इस चूहे ने आपकी पत्नी के सामने अपना मुंह खोला, आपका घर टूटा, इस बात का क्रोध है, इसी कारण आप झूठा आरोप डाल रहे। जी हाँ। ऑर्डर ऑर्डर। मेरा दिल करता है कि मैं इसका खून कर दूं। वही तो कर रहे हैं, वही कर रहे हैं आप, इस पर झूठा आरोप लगाकर इसे इस इल्जाम में फंसा कर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ने मारा राणा साहब को और इन्हें फंसाया? कहां थे आप जब राणा साहब की हत्या हुई? आप कहां थे बताइए? मैं वो अब आप कहां? जी मैं जज साहब, ये रिपोर्ट देना है। ये एडवांस मेडिकल रिपोर्ट है मिस्टर राणा के ब्लड सैंपल की, और इसके अनुसार मिस्टर राणा की मौत हार्ट अटैक इंड्यूस्ड ड्यू टू पॉइजन इन द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि जहर का पाया जाना था। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, मर्डर हुआ वो भी जहर देकर। मैं क्यों जहर दूंगा? मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। झूठ बोल रहे हो तुम? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। अरे भुट्टे,
एक दूंगा ना ऐसा। How dare you talk to me like this? तुम डायरेक्ट कैसे बात कर सकते तुम मेरे साथ? रानी साहब, थोड़ी ऐसे क्या कर? Your Honor, please कुछ। How dare you call me बुड्ढा? कैसे बात कर सकते? Order, order. Hey, hold it. केडी, ये पेन तो आपका है ना? हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये पेन तो आपका है ना? जी। यू ऑनर, जो आदमी पुलिस की मौजूदगी में चोरी कर सकता है तो 11 करोड़ के लिए वो किसी का भी मर्डर कर सकता है। योर ऑनर, मैंने पहले भी कहा कि पिंचू छोटी मोटी चोरियां करता है, इससे ये कहां प्रमाणित होता है? अब कोई सफाई नहीं बची है मिस्टर केडी। पहले तो मुझे लगा था कि इंजेक्शन ना देने के कारण मिस्टर राणा की मौत हुई है, लेकिन अब तो ये पता चल चुका है कि उन्हें जहर देकर ही मारा गया है, और जहर दिया है इस इंसान ने। ये अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। मिस्टर केडी, अब तो इस बात तो आप हार ही गए। मेरा एक्सपीरियंस कहता है। एनीवे, ऑल द बेस्ट। आई जस्ट डोंट बिलीव इट। इतना स्वीट छोकरा और इतना गंदा आदत, चोरी पे चोरी। इसके वास्ते वो रोज मेरे को एक फ्लावर लाके देता था। ना, इनसे चुराता है सामान। किन्ना, इसकी चालाकी नहीं है, आदत से मजबूर है, बीमार है वो, बीमारी है ये उसकी। बीमारी? सर, चोरी बीमारी कैसे हो सकती है? हेलो, पेसी? ओह माय गॉश, मैं जल्दी घर आती हूँ। क्या बात है बिल्ली? वो मेरा नेव्यू है ना पेसी, थोड़ा दिन पहले ना उसके पेट में बहुत गड़बड़ था, तो डॉक्टर ने बोला कि फूड पॉइजनिंग हो गया है। अभी अभी वो वापस बहुत सीरियस हो गया है, पता नहीं क्या खाया था थोड़े दिन पहले वो। अब जाइए, देखिए क्या कष्ट, और किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझे फोन करना। और जा भी लेके सर। थैंक यू। यू वेलकम। फूड पॉइजनिंग, पहले करण को, अब इसी को। क्या तुम्हारी एक नादानी ने पूरा केस बिगाड़ दिया। ये अदालत में चोरी, कम ऑन। मुझे माफ कर दीजिए सर, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, जाकर भी मैं। छोड़ो, बताओ उस रात राणा साहब कुछ खाने को, कुछ पीने को दिया था तुमने? याद नहीं सर। चाय पिया था उन्होंने, क्योंकि टेबल पर एक चाय की किटली पड़ी थी। हाँ हाँ सर, चाय, क्योंकि करण साहब ने मुझे 2 कप चाय बनाने को कहा था। 2 कप चाय? तो संभव है कि विष चाय के अंदर रहा हो, और चूंकि करण जी जवान है, फिट है, समय उन्हें केवल फूड पॉइजनिंग हुआ, उससे अधिक कुछ हुआ नहीं। इसका अर्थ ये भी होता है कि अदालत में वो जो हुआ उनके साथ वो सत्य था। लेकिन सर, मैंने चाय में कोई जहर नहीं मिलाया सर। ये
एक काम करता हूं मैं, पवार से कुछ पूछना था। जरा दो मिनट में आया। चित्र बात है पिंचू, इतना महंगा फोन तुमने नहीं उठाया, किंतु वो सस्ता सा पेन चुरा लिया, क्यों ऐसा? क्योंकि सर ये पेन कितना खूबसूरत है, पर ये फोन तो काला सा भद्दा सा, पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं ये क्या आदत है मुझे सर। आदत नहीं पिंचू, बीमारी है तुम्हारी, तुम्हें सिलेक्टिव क्लेप्टोमेनिया। सिलेक्टिव क्या? कोई बात नहीं, इलाज करवाना पड़ेगा। मिस्टर पाठक, इस केस में आपके पास कोई नया सबूत या गवाह हो तो बताइए। क्लेप्टोमेनिया और मर्डर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एविडेंस तो मैं पेश करूंगा यू ऑनर, और ये वो टी पॉट है जिसकी चाय में जहर को मिलाया गया, लेकिन पिंचू ने सिर्फ मिस्टर राणा को नहीं बल्कि उनकी बेटे को भी जहर पिलाया, ताकि वो सिर्फ 30% का नहीं बल्कि पूरी जायदाद का मालिक बने। लेकिन करण राणा शारीरिक रूप से अपने पिता की तरह उतना कमजोर नहीं थे, इसलिए वो बच। हमारे खिलाफ तो सबूतों की लाइन बढ़ती ही जा रही है। पिंचू ये बताओ, ये किटली है, ये कहां से लाए? वो लोखंड वाला मार्केट से। मतलब ये क्या वहाँ तुम्हें मिली, तुमने खरीदी वहाँ से? तो साहब ने 150 रुपये कुछ दिए थे। इतनी सुंदर किटली 150 रुपये में तुमने खरीदी? 150 रुपये में खरीदी तुमने? थैंक यू मिस्टर केडी, आप तो मेरा काम और भी आसान कर रहे हैं, ये साबित करके किसी ने चोरी की। कप्तानी साहब सही कह रहे हैं बच्चू, ये तुमने खरीदी नहीं, चुराई चुराई थी या नहीं? चुराई थी ना? हाँ सर, चुराई। कहाँ से चुराई थी ये भी बता। दीप्ति जी के घर से। कुछ दिनों पहले मैं उनके घर गया था चाय की पत्ती मांगने, उन्होंने कहा कि किचन में जाके खुद ले ले। मैं अंदर गया और पास ही वो किटली पड़ी थी, मैंने उसे उठाया और चुपके से घर ले आया। मुझे माफ कर दो सर। ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी बिंजू। कैसे बताता सर, आप लोग मुझे और भी बड़ा चोर समझते। अरे चोर नहीं, अरे तुम तो किलर हो। अब दीप्ति जी के घर से पिंचू ने किटली चुराई तो दीप्ति जी ही आके बताएंगे सर। दीप्ति जी, क्या आप जानती थी कि पिंचू ने आपके रसोई घर से आपकी किटली चुराई? नहीं। विचित्र बात है, आप ही के रसोई घर से एक व्यक्ति आपकी इतनी महंगी किटली चुरा जाता है, आपको पता ही नहीं लगता? हाँ मुझे पता था कि किटली मिसिंग है, पर... अच्छा मतलब आपने किटली को ढूंढा, आपको मिली नहीं, तो फिर आपने पिंचू से पूछा क्यों नहीं कि किटली कहाँ है? क्योंकि कुलकर्णी साहब ने तो पूरे सोसाइटी में पिंचू के चोर होने का ढिंढोरा पीटा है, उसकी ध्वनि आपके कानों तक तो पहुंची होगी। नहीं पहुंची। लेकिन आप कहना क्या चाहते? कहना चाह रहा था, लेकिन आप तो बुरा मान गए। देखिए आप नाराज मत होइए मुझसे, मेरे पास इस समय
और कुछ तो नहीं है, बस अपनी दुआएं हैं और ये फूल ले लीजिए आपके लिए। लीजिए ना। नहीं, मुझे मुझे एलर्जी है इससे। एलर्जी है आपको किस बात से? पकड़े जाने से। ये सब क्या है मिस्टर केडी? ये कोई पब्लिक गार्डन नहीं है जहां आप एक खूबसूरत लड़की का फूल दे रहे हैं। मिस्टर पाठक, ये आप क्या कर रहे हैं? योर ऑनर, मैं इन्हें फूल नहीं दे रहा था, फूल दिखा रहा था। ये फूल जिसका नाम है लोरियो उठाटिविस। योर ऑनर, उज्जवल राणा साहब के शरीर में जो विष पाया गया था, वो विष इसी फूल से प्राप्त होता है। मेरे मुवक्किल ने मेरी सहायक मिसेस बिलमोरिया को ये फूल दिया था। उस फूल को छू कर योर ऑनर, मिसेस बिलमोरिया ने अपने नेफ्यू को, अपने भांजे को खाना परोसा, जिसके कारण उनके भांजे पेसी को फूड पॉइजनिंग हो गया था। मुझे तभी संदेह हुआ यार, फूल पे मैंने छानबीन की तो पता चला कि इस फूल के पौधे के पत्तियां फूल से ज्यादा विषैले होते हैं, और वही विष इस किटली पर भी लगा हुआ था जो पिंचू ने दीपा जी के घर से चुराई। अब प्रश्न ये उठता है यार, ये फूल, फूल का पौधा और वो पत्तियां आई कहां? दीप्ति जी, अगर मैं ये कहूं कि आपके घर में फूल का पौधा लगा हुआ है तो क्या वो सही होगा या सही हो? आपको फूलों का इतना ज्ञान है, आप अवश्य बॉटनिस्ट होंगे। या हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट। तो मुंबई कब आई यहाँ पर राणा साहब के सामने वाले घर में? कब से, कितना समय हो गया रहते हुए? 2 महीने से। 2 महीने पहले ही आप आई? कहाँ से आई? मुंबई आने से पहले आप कहाँ रहे? दिल्ली में, रजौरी गार्डन। रजौरी गार्डन, क्या बात है, बहुत ही सुंदर जगह है। तो वहाँ किसके साथ रहती थी आप? माता जी के साथ। आप ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? मैं पूछ रहा हूँ, जानना आवश्यक है, अदालत है, प्रश्नोत्तर चल रहा है, प्रश्न को उत्तर दीजिए। देंगी या मैं? मैं अपनी मदर के साथ वहां पे रहती थी। आपकी माता जी के साथ? मिसेज विमला राणा। विमला सहाय। अच्छा, सहाय। तो ये कैसे संभव है, आपकी माता जी के राशन कार्ड पर तो उनका नाम विमला राणा लिखा हुआ है, पतिदेव का नाम उज्जवल राणा, जिसका ये अर्थ होता है कि आप उज्जवल राणा जी की बेटी हैं, उनकी सुपुत्री। वो मेरा बाप कहलाने के लायक ही नहीं था। दो साल की थी मैं जब वो मुझे और मेरी माँ को छोड़ के चला गया। उसका पहले से एक परिवार है। धोखा दिया उसने मेरी माँ को, धोखा। मेरी माँ मरते दम तक उसकी वापसी का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया, नहीं आया वो जैसा। घुट घुट के मारा उसने मेरी माँ को, घुट घुट के। कहानी कुछ ऐसी है योर ऑनर, जैसा कि हिंदी फिल्मों में कहते हैं, दीप्ति जी किसी आग में झुलसती हूँ, और अपनी माता जी के निधन के बाद दीप्ति जी दिल्ली से मुंबई आई और इन्होंने अपने पिताजी का पता लगाया, फिर ठीक उनके सामने रहने लगी। योर ऑनर, उस सोसाइटी में मेरे मुवक्किल पिंचू की आदत के बारे में कुलकर्णी साहब को दोरा पीट ही चुके, दीप्ति जी को भी इस बारे में पता चला। योर ऑनर, दीप्ति जी को ये भी पता था कि पिंचू, क्योंकि वो दीप्ति जी के घर आता जाता था और बड़ा आकर्षक था योर ऑनर,
कि ये टीपॉट तो पिंचू की नजर उस पर थी। इसी जानकारी के आधार पर इन्होंने ये योजना बनाई। इस फूल का पौधा इन्होंने अपने ही घर में उगाया यार, अर्थात अपने ही घर में विष कहे जा रहा, और फिर किसी टीपॉट पर विष लगा कर रखा, क्योंकि ये जानती है पिंचू इसे अवश्य चुराएगा। कभी न कभी पिंचू किसी टीपॉट अपने मालिक राणा साहब को चाय अवश्य पिलाए। बहुत ही सूझबूझ से ये तीव्र योजना बनाई दी थी, हत्या का औजार तैयार किया और पिंचू द्वारा अपने पिताजी की हत्या की। और ये जानती थी कि पिंचू कभी दीप्ति जी के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि वो किटली है पिंचू ने चुराई थी। चुराई हुई चीज के बारे में पिंचू कभी अपना मुंह नहीं खोलता। और इसीलिए मिस्टर पाठक आपने ये भांप लिया कि पिंचू जब चमकीली चीजें चुराता है तो उसने जरूर ये केतली भी चुराई होगी। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। ये अदालत दीप्ति सहाय को मिस्टर उज्जवल राणा के कत्ल के इल्जाम में दोषी करार देते हुए तुरंत पुलिस को उसे हिरासत में लेने का हुक्म देती है और पिंचू को इस केस से बाइज्जत बरी करती है, लेकिन उसके साथ ही साथ पिंचू के ट्रीटमेंट का भी हुक्म देती है जो कि पूरी तरह से पुलिस की निगरानी में हो। द केस इज क्लोज। रिप्लानी साहब, मैंने कहा था कि मेरे मोकिल को उसमें चुराने की बीमारी बहुत प्यारा नहीं हो सकता। क्या है जीवन में कभी भी हमें बिना किसी को पूरी तरह से जाने उसके चरित्र पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। Am I right or am I right?